हाय, माय नेम इज राजकमल और आज मैं बताने वाला हूँ कि प्री वेडिंग शूट कैसे करते हैं। तो हमने प्री वेडिंग शूट रांची से ही शुरू किया, इसके बाद हम पतरातू वैली के लिए निकले। अब पतरातू वैली निकलने के दौरान हमें कुछ कुछ लोकेशन मिला जहाँ पे हमने रुक रुक कर शूट किया, पर हम पतरातू वैली जाने ही वाले थे कि वहीं पे हमने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन क्रैश हो गया। अब ड्रोन क्रैश होने के बाद हमें काफी ज्यादा टेंशन होने लगा, क्योंकि अगर हमें ड्रोन नहीं मिलता तो आप जान ही रहे कितना बड़ा नुकसान होने वाला था। पर 10 मिनट के बाद हमें ड्रोन मिल गया। वो जंगल के बीच में गिरा हुआ था और टूट गया था थोड़ा सा, बट वो उड़ सकता था, तो हमने ड्रोन लिया। इसके बाद हम निकल गए पतरातू डैम के लिए। और पतरातू डैम में जाने के बाद हमें शूट करना था बोट पे, मतलब जेट बोट पे। तो हमने जेट बोट वाले से बात किया तो वो बोला कि आप 2000 में शूट कर सकते हो। तो हमने जेट बोट वाले को बुक कर लिया। फिर हम निकल गए पतरातू डैम वाले आइलैंड पे शूट करने के लिए, क्योंकि वो लोकेशन काफी अच्छा हमें लग रहा था। हमें जेट पे भी शूट करना था प्री वेडिंग, क्योंकि उसी के लिए हम लोग बुक किए थे, पर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे भारी बारिश हो गई थी। तो फिर हमने उसे ही पतरातू डैम के आइलैंड पे शूट किया। तो ये सारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा जरूर देखना। तो गाइस, आज हम प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है आईटीबीपी पे शूट कर रहे हैं हम लोग, आईटीबीपी वाला लोकेशन है, वहीं पे हम लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं अभी। और ये हमारा एस्टैब्लिशिंग शॉट के लिए भी हो चुका है, मतलब ड्रोन शॉट्स हम लोग ले रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग शॉट अभी ले रहे हैं ड्रोन से। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग शूट कर रहे हैं पहाड़ पे चढ़ने का, मतलब एक अच्छा शॉट हमें मिल रहा है पहाड़ पे चढ़ने वाला एंगल, तो हम लोग उसी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा शॉट निकलता है। ड्रोन से हो रहा था बट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग एक और लोकेशन वहाँ पे ऊपर में देखेंगे, एक मतलब ऐसा फ्लैट एरिया है, बाकी बादल क्लाउड्स को हम लोग मतलब क्लाउड को कंपोजिशन बना के शूट करेंगे अभी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे शूट हो रहा है आपका वी ओ वी शॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स भी ऐसे लिया जा रहा है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि शूट से पहले आपको स्टोरी बोर्ड, सॉन्ग और लोकेशन सेलेक्ट कर लेना होगा, तब जाकर आप समय के साथ अच्छा शूट कर पाएंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि जो गिम्बल से शूट करे वो मेरे सिनेमाटोग्राफर मतलब अविनाश हैं, और जो फोटो शूट कर रहे हैं वो आशीष हुए, और मेरे कैमरे के जो पीछे हैं वो सैमुएल हुए सिनेमाटोग्राफर। तो ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और एक बात मैं बताता हूँ आपको कि मैं आपको वॉइस ओवर करके सुनाने वाला हूँ, मतलब आपको सारा चीज़ मैं वॉइस ओवर करके एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उस समय माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा था। धूप में शूट करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, धूप में भी हमें दौड़ना पड़ता है, और सब कहते कितना आसान काम है सारे लोगों के लिए। तो हमारा शूट आईटीबीपी कैंप वाले एरिया से शुरू हुआ और हमने वहाँ पे अच्छा शूट निकाला। और हाँ, बता दूँ कि बीच बीच में हमें पोज भी बताना पड़ता है ताकि हमें अच्छा शॉट मिल सके। आप जा रहे हैं आगे और फिर इनको देख रहे हैं और ये आपको देख रहे हैं, अच्छा से हम लोग दो हम लोग नॉर्मल ऐसे पकड़ के नहीं हाथ पकड़ जाता है, फिर लड़की ऐसे देखती है एक्सप्रेशन, तो हम लोग पीओवी शॉट्स ले लेंगे। ऐसे ऐसे गाना बज रहा है, फिर ऐसे देख रही है आप, आपको एक दूसरे को देख रहे हैं फिर एक दूसरे एक बैग देख के फिर आगे देख के फिर वहाँ पहाड़ के बोलते हैं ना कि मेन, इसके बाद जब वहाँ पहुँचेगी ना मेन टॉप पे तो एस्टैब्लिशिंग शॉट ले लीजिएगा वाइड में पूरा, फिर क्लोजअप थोड़ा सा एक्सप्रेशन क्रॉस कट। तो अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन पतरातू था, तो हमें पतरातू जाने समय काशी का फूल दिखा, तो आपको पता ही है कि काशी का फूल सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमने वहाँ पे भी शूट किया, इसके बाद हमने वहाँ पे भी कुछ कुछ शॉट निकाले। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और गर्मी को देखते हुए हम शूट यहाँ पे जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखने में तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो में, पर यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा उमस। तो अभी शूट हमारा यहाँ पे सिनेमाटोग्राफर जो अभी कंप्लीट कर लिए ये शॉट को, बाकी फोटोग्राफर कुछ कुछ शॉट ले रहे हैं, रैंडम शॉट्स यहाँ पे निकाल रहे हैं कैंडिड टाइप का कुछ, बाकी देखते हैं ना। यहाँ पे हम लोग शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट करके यहाँ से हम लोग पतरातू वैली निकलेंगे कुछ देर में। इसके बाद हम पतरातू वैली निकल गए और हम लोग शूट कर रहे थे उसी के दौरान खा लिया सारा एक्सीडेंट हो गया, पूरे सारा खा गया एक्सीडेंट हो गया अचानक से, उधर कैमरा दिखा दीजिए पतरातू वैली में ऐसा होता है। बट उनका कुछ हुआ वैसा कुछ नहीं, तो अब हम लोग फिर से कंटिन्यू शूट स्टार्ट करेंगे। एक्शन,
और फिर वहाँ पे हमने बाइक वाला सूट किया जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था वो शॉट निकालना। कंप्लीट। वाला से बच गए, स्वैग वाला अंकल। तो फिर हम पतरातू वैली निकल रहे थे, तभी हमें रास्ते में कुछ अच्छा लोकेशन दिखा, तो वहीं पे हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे फोटो शूट किया जाए। तो हम वहाँ पे भी फोटो शूट और सिनेमैटिक वीडियो निकाल लिए, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हुआ वो काफी खतरनाक हुआ। क्या हुआ कि हमारा ड्रोन उड़ा, उसके बाद वो क्रैश हो गया, वो जंगल में क्रैश हो गया, और वो ऊपर से वो ड्रोन मिल नहीं रहा था। तो हमने जीपीएस के सहारे उसे 10-15 मिनट के बाद खोजा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने वाला था मतलब हमें, क्योंकि हमारा अगर ड्रोन खो जाता तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। पर फाइनली ड्रोन हमें मिल गया, जो कि काफ़ी खुशी की बात थी, मतलब कुछ तो टेंशन कम हुआ। बट हमारा ड्रोन थोड़ा सा क्रैश हो गया था, मतलब थोड़ा टूट गया था। तो हम पतरातू डैम पहुंच गए, और पतरातू डैम पहुंच कर और हमने जेट बोट वाले से बात किया तो 2000 में मान गया, मतलब वो बोल दिया कि आप जेट बोट से शूट कर सकते हो। तो हमने बुक तो कर लिया, पर उसी समय भारी बारिश हो गई और ये काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग रहा। फिर हम जेट बोट को बुक करके हम निकल गए पतरातू आइलैंड। पतरातू आइलैंड भी काफ़ी अच्छा लोकेशन है प्री वेडिंग के लिए, कि मैं कभी वहाँ पे गया नहीं था, पर मैं जाकर देखा तो काफ़ी अच्छा कंपोजिशन लोकेशन, मतलब काफ़ी वहाँ पे अच्छे थे। हमने वहाँ पे भी कुछ कुछ शूट किया और हमने वहाँ पे भी शॉट निकाल लिया। करते करते मतलब सिनेमैटिक्स करते करते बीच बीच में फोटो शूट भी कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो शूट करते करते रैंडम फोटो क्लिक करोगे तो काफ़ी फोटो अच्छे निकलते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।